निस्वार्थ सेवा संस्थान हाथरस के द्वारा डीपीएस स्कूल मथुरा रोड हाथरस में रविवार को प्रीमियम लीग सीजन 4 का आयोजन किया गया। आयोजन कमेटी में प्रवक्ता हिमांशु गौर, सचिव नीरज कोयल, कोषाध्यक्ष सीए प्रतीक अग्रवाल और निष्कर्ष गर्ग की देखरेख में यह टूर्नामेंट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के संस्थापक विष्णु अग्रवाल ने किया। उद्घाटन समारोह में उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है बल्कि मानसिक विकास और टीम भावना को भी मजबूत करता है। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना है। टूर्नामेंट में 4 टीमें एनएसएस सुपरस्टार्स, एनएसएस चैंपियंस, एनएसएस वॉलंटियर्स और एनएसएस वॉरियर्स ने हिस्सा लिया। चंद्रप्रकाश अग्रवाल की कप्तानी में एनएसएस चैंपियंस ने सेमीफाइनल में एनएसएस वॉरियर्स को हराकर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम के उपकप्तान तरुण शर्मा, मनोज उपाध्याय, प्रशांत उपाध्याय, अभय प्रताप राणा, दोनेश गुप्ता, राहुल चौहान, जगमोहन सिंह, पुनीत कुमार, शिवम वार्ष्णेय, दीपक भारद्वाज और पंकज अग्रवाल ने शानदार प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट के अंत में विजेता टीम को सम्मानित किया गया और सभी खिलाड़ियों को सांत्वना प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हाथरस आशीष शर्मा मौजूद रहे। संस्था के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए विजेता टीम को बधाई दी। आज डीपीएस के ग्राउंड में मैच हुआ है, किन किन टीमों के बीच हुआ और कौन सी टीम जीती और आप लोग विजयी हुए हैं, कितने रनों से आप लोग जीते? एनएसएस का मैच था, एनएसएस का प्रीमियर लीग था, हम लोग सब आपस में ही प्लेयर्स करके करते हैं। मेरी टीम एनएसएस चैंपियंस के टर्म से थी, 4 टीमें आज खेली हैं जिसमें से कि एनएसएस चैंपियंस के नाम से जो मेरी टीम है उसने आज विजय किया है और हम लोगों ने 91 रन जो हमारे 15 ओवर में मारने थे वो हमने 7.5 ओवर में मारकर पूरा मैच जीत लिया। आज निस्वार्थ सेवा संस्थान के द्वारा यहाँ डीपीएस स्कूल में के ग्राउंड में प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, कितनी टीमों के बीच में ये मैच हुआ और कौन सी टीमें जीत रही हैं? दोस्तों, ये आयोजन कई वर्षों से हो रहा है और ये चौथा सीजन था। इस बार हमेशा 4 ही टीम हिस्सेदारी रखती हैं, भागीदारी निभाती हैं और इस बार भी 4 ही टीमों ने भागीदारी निभाई है। एनएसएस के नाम के ऊपर ही टीमों के नाम होते हैं, वॉरियर्स, वॉलंटियर्स, चैंपियंस और सुपरस्टार। चारों टीमों ने घमासान युद्ध किया, आपसी जैसे भाई भाई में आपस में जो प्यार का माहौल होता है उस माहौल के साथ क्रिकेट का एक रंगमंच सजाया गया जिसपे वास्तव में जो एनएसएस चैंपियन थी चैंपियन बनके निखरी और उन्होंने कप हासिल किया। जीते चाहे कोई भी जीते हैं एनएसएस और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाहे कोई हारा हो जीता हो खुशी सभी के चेहरे पे। आप चेहरा देख के ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये व्यक्ति हार गया है क्योंकि यहाँ जीते सभी हैं।